देखिए बच्चों, पंडिता रमा भाई पाठ का हमारा अगला प्रश्न अर्थात प्रश्न नंबर 2 है कि प्रश्न निर्माण करिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, हमें इनका आंसर अब लिखना है। अर्थात प्रश्न, यहाँ पर आंसर तो लिखे गए लेकिन हमें प्रश्न बनाना है। प्रश्न में ये बनाना है कि किससे, क्या, कौन, कब, क्या पूछा गया है, ऐसे शब्दों को हमें निर्माण करना है और इसका आंसर लिखना है। देखिए बच्चों, रेखांकित पदानि आधत्ते प्रश्न निर्माण कुरुते, अर्थात वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन की गई है, जिन्हें रेखांकित किया गया है, उन शब्दों को हटाकर वहां पे प्रश्नवाचक शब्द या प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग हमें करना है। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न निर्माण करना थोड़ा सा कठिन होता है, प्रश्नों का निर्माण करना, लेकिन एक बार समझ में आ जाए तो बहुत ही आसान होता है। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करते हैं, आप ध्यान से समझना इनको। के वाला प्रश्न है, रमाया पिता समाजस्य प्रतारणा में असहते, अर्थात रमा के पिता ने समाज की प्रतारणा को सहन किया। ठीक है, ये एक लाइन है, अर्थात ये हमारे एक वाक्य की रमा के पिता ने समाज की प्रतारणा को सहन किया। अब बच्चों आपको क्या करना है, इस लाइन से वाक्य बनाना है, सॉरी प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न क्या बनेगा कि किसने, किसने समाज की प्रतारणा को सहन किया। अंडरलाइन कर रखी है बच्चों यहाँ पे रमाया, तो हमारी लाइन क्या थी कि रमा के पिता ने समाज की प्रतारणा को सहन करा, तो हम इसका प्रश्न क्या बनाएंगे। सबसे पहले ध्यान में रखना कि जिस शब्द के नीचे लाइन अंडरलाइन करी गई है, की गई है, उसे हमें हटा देना है और उसे शब्द की जगह हमें प्रश्न वाचक जो शब्द, प्रश्न सूचक जो शब्द होता है उसे लिखना है। तो यहाँ पर रमाया के नीचे अंडरलाइन की गई है तो इसे हम हटा देंगे और प्रश्न क्या बनेगा कि किसने समाज की प्रताड़ना को सहन करा। तो यहाँ पर आएगा इसका आंसर क्या है बच्चा, कश्या के आधा से और या और फिर विसर्ग, कश्या, अर्थात इसके पूरी लाइन लिखनी है बच्चों। मेरे जगह नहीं थी इसलिए मैंने लाइन नहीं लिखी। आपको क्या करना है, रमाया शब्द इसी के नीचे अंडरलाइन कर दी, यहाँ पर आपको आंसर डाल के क्या लिखना है, कश्या रमा की, रमाया की जगह। ठीक है, कश्या पिता समाजस्य प्रतारणाम असहते, अर्थात इस लाइन का अर्थ होगा बच्चों कि किसके पिता ने समाज की प्रतारणा को सहन किया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अगला प्रश्न है हमारा, पत्यु मरणांत रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छते। देखिए इस लाइन का सबसे पहले हमें हिंदी अर्थ समझेंगे बच्चों कि पति के, पत्यु मरणांत, पति की मृत्यु के बाद जो रमाबाई है महाराष्ट्र प्रत्यागच्छते, अर्थात पति की मृत्यु के बाद रमाबाई कहाँ गए थे, महाराष्ट्र। देखिए बच्चों, अब इसमें किसके कौन से शब्द के नीचे अंडरलाइन की गई है, पत्यु, अर्थात पति, तो इस पति को हम हटा देंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कश्य, अर्थात किसके। ठीक है, सॉरी किसकी, किसकी, अब इसका आंसर जो आएगा उसकी लाइन क्या बनेगी बच्चों कि किसकी मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र गई थी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम करेंगे कश्य, ये लाइन भी पूरी लिखनी है बच्चों आपको, कश्य मरणांतर रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छते, ये इस तरीके से पूरी लाइन आपको लिखनी है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा, रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयते, अर्थात रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन नामक, शारदा सदन जो है इसकी स्थापना इन्होंने करी थी। तो यहाँ पर किसके नीचे अंडरलाइन है बेटा, मुंबई नगरे, अर्थात मुंबई नगर को हमें हटाना है और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, पुत्र, हमारा आंसर क्या है यहाँ पर, पुत्र, मैंने एक शब्द में लिखा, आपको पूरी लाइन में लिखना है। मैं बार बार यही चीज बता रही हूँ बच्चों, आपको ध्यान में रखना है इस चीज को, यहाँ पर आपको करना है, ये रमाबाई आपको लिखना पहले, रमाबाई मुंबई नगर की जगह पुत्र आ जाएगा। ठीक है बच्चों, रमाबाई पुत्र शारदा सदनम स्थापयते, ठीक है, रमाबाई पुत्र शारदा सदनम स्थापयते, अर्थात रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना कहाँ पर की थी। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। अगला प्रश्न है हमारा, 1922 तमे
खिष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया अस्थापयते, अर्थात ये 1922 खिष्टाब्दे हैं बच्चों। यहाँ पर हम खिष्टाब्दे का मतलब होता है ईस्वी सन, अर्थात ईस्वी सन 1922 में रमाबाई महोदया की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर किसके नीचे अंडरलाइन की गई है बच्चों, देखिए रमाबाई की है ना, रमाबाई महोदया की। तो प्रश्न क्या बनेगा कि 1922 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो गई थी, तो यहाँ पर क्या करेंगे कश्यप, ठीक है बच्चों। 1922 तमे खिष्टाब्दे रमाबाई महोदया को काट के कश्यप स्थापयते, इस तरीके से आपको लाइन लिखनी है। अगला प्रश्न है स्त्रीय शिक्षा लभन्ते इसमें, अर्थात इसका हिंदी अर्थ है बच्चों स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। तो प्रश्न क्या बनेगा कि कौन शिक्षा ग्रहण करती थी, इसका आंसर आएगा बच्चों का, क्या आएगा का। तो प्रश्न की लाइन क्या बनेगी बच्चों, का स्त्री को हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर अंडरलाइन की गई है, का शिक्षा लभन्ते इसमें, अर्थात कौन शिक्षा ग्रहण करती थी, ठीक है बच्चों। आपको ये प्रश्न निर्माण करने वाला जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आप इस प्रश्न को ऐसा कैसा उतारना और जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन की गई है उस शब्द को हटा देना और प्रश्न सूचक शब्द लिखना, फिर पूरी लाइन ऐसे कैसे उतार देनी, ठीक है बच्चों।